कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में जनता को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि कर्नाटक की जनता महंगाई से परेशान है। उन्होंने कहा कि आज हम आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेकर आए हैं, जिनमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली, अन्य भाग्य योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल और युवा निधि योजना के तहत 2 साल तक ग्रेजुएट को 3,000 और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की प्रगति की गारंटी ही प्रदेश के भविष्य को बेहतर बनाएगी। देखिए, जब एक प्रदेश बनता है, उसकी पहचान बनती है, तो मुख्य तौर से उसकी पहचान उसकी जनता ही बनाती है। आप सब अपनी मेहनत से, जब ईमानदारी से काम करते हैं, तभी आपके प्रदेश की पहचान बन पाती है। आपकी एक मजबूत पुरानी संस्कृति, आपकी सभ्यता, जिसे बसवन्ना जी जैसे महात्माओं ने, नारायण गुरु जी जैसे महात्माओं ने अपनी शिक्षा से सींचा, आपकी मेहनत, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, मेरी बहनें, आप दिन रात मेहनत करती हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया में कर्नाटक का पहचाना जाता है। तो जब अपना प्रदेश इतना महान है, प्रकृति की सारी देन है, जनता मेहनती है, दिन रात काम करके प्रदेश को बनाती है, बच्चे ज्यादातर शिक्षित हैं, तो फिर ये परिस्थितियाँ क्यों हैं कि आज कर्नाटका में जिससे भी मैं बात करती हूँ, पता चलता है कि आप परेशान हैं, महंगाई की वजह से त्रस्त है, बेरोजगार है और मुश्किलों से आपका जीवन भरा है। तो मेरी बहनों, जब दिन रात आप मेहनत करती हैं और समाज का बोझ उठाती हैं, घर से निकलकर कहीं जॉब करती हैं, वापस आती हैं शाम को, अपने घर का काम भी करती हैं, जब आप दुकान जाती हैं और इस महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पाती हैं, जब गैस सिलेंडर 1,100 रुपए का मिलता है, या सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, तेल महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है, तो आपको लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे नौजवान भाई बहन होंगे, सरकार में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। डीजल के दाम बढ़ गए, डीएपी का दाम 1,350 रुपए हो गया। बड़े बड़े वादे किए थे आपको कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी, जहाँ बाकी प्रदेशों में 3,500 से 4,000 पर क्विंटल एफआरपी मिलता है, यहाँ आपको सिर्फ 2,750 मिलता है। और भ्रष्टाचार का सिर्फ ये नतीजा नहीं है, बहुत और नतीजे हैं, खास तौर से जब हम रोजगार की बात करते हैं, आईटी में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्नाटका सबसे आगे होता था। जिनको प्रदेशों में कहते हैं ना मॉडल स्टेट, हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर मॉडल स्टेट था कर्नाटक। बाहर से जो निवेश आता था उसमें भी हम सबसे आगे थे। आपको अपने भविष्य के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया आपको, शीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए, और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी, और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे। गृह लक्ष्मी के की एक योजना बनेगी, जिससे मेरी बहनों आप सबको 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ताकि आप महंगाई का सामना कर पाए। गृह ज्योति योजना लाएंगे, जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा। अपने भविष्य को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए और आगे बढ़िए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।